बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड परफॉर्मिंग वेल वाइल स्टेइंग योर होम। वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट लेक्चर टुडे विदाउट आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन यू आर ऑल फेमिलियर विद। इट इज the elimination of metabolic waste from the body of an organism. Here we say from the body of a plant. Metabolism में chemical reactions के दौरान बनने वाले body के अंदर बनने वाले waste को जिस्म से remove करने को excretion बोलते हैं। And it is an essential property of life। सारी जिंदा चीज़ों की बड़ा अहम character है ये excretion। अब हम यहाँ पे प्लांट्स के अतबार से हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक वेस्ट प्लांट्स में कौन से हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप लोगों को सारे बच्चों को आती है, 6CO2 + 6H2O और एरो डाल के C6H12O6 + 6O2। तो जो राइट साइड वाली है इक्वेशन की चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें एक जो प्रोडक्ट है बेसिक प्रोडक्ट वो ग्लूकोज है, और दूसरी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट, इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स पॉइंट ऑफ व्यू। पौधों के द्वार से ऑक्सीजन अगर उनको ज़रूरत नहीं है जिसकी, वो सारी फालतू है, एक्स्ट्रा है। लिहाजा स्टोमेटा के ज़रिए से दे कीप ऑन रिमूविंग दिस ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, फ़ज़ा में भेजते रहते हैं इस ऑक्सीजन को, क्योंकि उनकी उनकी नज़र में, प्लांट्स की नज़र में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो उनके लिए बेकार है। और दूसरी चीज़, फोटोसिंथेसिस के बाद रिएक्शंस में वाटर इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा वाटर है जो उनको नहीं चाहिए, इट इज़ आल्सो लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाई ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी वेस्ट, पहले तो रेस्पिरेशन का आइडिया हो। रेस्पिरेशन का मतलब, एक तो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेना। दूसरा, आपको पहले से इसका भी पता होगा कि रेस्पिरेशन बोलते हैं ब्रेकडाउन ग्लूकोज को, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को, या प्रोटीन की ब्रेकडाउन को, या लिपिड्स की ब्रेकडाउन को। तो जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनी है फोटोसिंथेसिस में, उसको बन रही है फोटोसिंथेसिस में, और वही प्रोडक्ट टूट रही है फिर रेस्पिरेशन में, ताकि जिस्म में को एनर्जी मिल सके उसके टूटने के दौरान। तो जब ये रेस्पिरेशन होती है, वो उन फोटोसिंथेसिस वाले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं CO2 एंड वाटर, अगेन फ्रॉम द प्लांट बॉडी। CO2 इज़ लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए से CO2 बाहर चलेगी फ़िज़ा में, एंड वाटर इज़ लॉस्ट बाई ट्रांसपिरेशन। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाके यूज़ हो रही हैं रेस्पिरेशन में, इधर जाके रॉ मटेरियल के तौर पे, बेसिक मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रही हैं। और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, CO2 है और ये है, ये जा रही हैं रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रही हैं, जाके यूज़ हो रही हैं प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में, जो हम लिखते हैं 6CO2 + 6H2O। तो ये CO2 और वो H2O, ये यहाँ से जाके इधर यूज़ करते रहते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रेस्पिरेशन में, वो जो ख़ास तौर पे ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज को तोड़ने में, रेस्पिरेशन में यूज़, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूटता है और वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो ये यूज़ करते रहते हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा है, ज़रूरत नहीं है प्लांट बॉडी को, they will be eliminated from the body, this is excretion। तो ये भी excretory products हैं, although इनको हम discuss किसी और topics में करते हैं अपने syllabus में, respiration वाले chapter में, या किसी last first year के last chapter में, वहाँ पर photosynthesis वाले chapter में भी use, 11th chapter में भी करते हैं हम वहाँ पर explain। यहाँ पर अब हम excretion की, plants की excretion, ये long question है, याद रखिएगा, important long question है। और एक्सक्रीटरी रूट्स, या हम कह लें एक्सक्रीटरी पार्ट्स, प्लांट की बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, या उसके ऑर्गन्स कौन से हैं, या पार्ट्स कौन से हैं, या उसके ऑर्गन्स कौन से हैं, तो वो सारे हम यहाँ पे बारी बारी एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो
वैक्यूल को सबसे हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट की वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनमें एक वैक्यूल है। वी नो ए लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ईच प्लांट सेल। जब भी हम प्लांट सेल बनाते हैं तो सेंटर में बड़ा गोल सा थैला सा वो बना देते हैं, वहाँ पे वो वैक्यूल है इनका। तो वो जो वैक्यूल है इनका, इट स्टोर्स यूजफुल सब्सटेंसेस। एक तो काम की चीज़ों को भी स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में प्लांट सेल के काम आ सकें, तो लाइक वाटर, फूड सब्सटेंसेस और कोई और चीज़ें, पिगमेंट्स वगैरह, ये स्टोर करता रहता है। और इट आल्सो स्टोर्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट सब्सटेंसेस। और कोई ऐसे कि मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वेस्ट हैं, जो प्लांट के काम के नहीं हैं, जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्लांट सेल के अंदर वो नहीं रहेंगे। फिर प्लांट सेल में बनने के बाद फौरी तौर पे उनको लाया जाता है प्लांट सेल के वैक्यूल में और वहाँ पे स्टोर रहते हैं और वक्फे वक्फे से उनको एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से, प्लांट सेल से बाहर भेज दिया जाता है। समटाइम्स वेस्ट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर यही वेस्ट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वान्टिटी में हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, मैंने एक वैसे नाम ले लिया है, एक केमिकल है, ये प्रोड्यूस हुआ है और वो बहुत सारी क्वांटिटी में है, प्लांट सेल वैक्यूल के अंदर आ गया हुआ है, तो फिर उसके नीडल लाइक सुई की तरह के स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे बन जाते, दाने से बन जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो इन वेस्ट की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, दे अडॉप्ट क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं वो, और वही क्रिस्टल फॉर्म में जब ये आ जाएंगे तो वो वहाँ प्लांट सेल वैक्यूल में प्रेसिपिटेट फॉर्म में, उसकी तह में नीचे बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ताकि वैक्यूल के बाकी एरिया को डिस्टर्ब ना करें, अलग से होके क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट पड़े रहें। तो ये हो गया वैक्यूल प्लांट बॉडीज़ में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो स्टोर कर रहे हैं काम की चीज़ों को भी स्टोर कर रहे हैं और वेस्ट को भी स्टोर कर रहा है, और फिर इन वेस्ट को वक्फे वक्फे से रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। नंबर टू, दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट बॉडी का, लीव्स। ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। तो लीव्स का हम कहेंगे दीज आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट्स। तो ये जो वेस्ट मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं, वो सारे के सारे वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए और रिमूव करने के लिए लीफ जो है वो मेन ऑर्गन है, प्रोमिनेंट मेन। लीव्स हमारे, अब ये मैं अपनी बुक की लाइनें जो आपने याद भी करनी है, लिखनी भी हैं, वो हम आगे एज सच लिखी हुई हैं। लीव्स आर डेस्टाइन टू फॉल ऑफ, डेस्टनी फेट को बोलते हैं, किस्मत को बोलते हैं, यानी इनकी किस्मत में ये है कि जब खजां का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं अपने पत्तों को गिरा देते हैं, झड़ जाते हैं पत्ते, तो यही लिखा हुआ है लीव्स आर डेस्टाइंड टू फॉल ऑफ, इन्होंने झड़ जाना है, गिर जाना है, और इन सम प्लांट्स दे डाई ऑफ या मर जाते हैं। तो सच लीव्स आर कॉल्ड ऑटम लीव्स, क्योंकि खजां के मौसम में ये झड़ रहे हैं तो ये ऑटम लीव्स हैं। रिच इन वेस्ट एंड मिनरल्स, ये फिर काफ़ी अरसे से थोड़ा 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 वेस्ट को अपने अंदर जमा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और कुछ नमकियात वगैरह को भी इकट्ठा करते रहते हैं, और वो वेस्ट और नमकियात जब सफिशेंट अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं उनके अंदर, उनको फिर उन्हें रिमूव कर देना है प्लांट ने। और रिमूव करने का तरीका पतझड़, वो फॉल ऑफ, झड़ जाएंगे पत्ते, पत्ते झड़ गए साथ वेस्ट को भी ले गए साथ ही बाहर प्लांट बॉडी से। और इधर छोटी सी एक बात देख लें, हमने कहा है कि इन सम प्लांट्स द लीव्स डाई ऑफ, मर जाते हैं, लाइक एन ब्लू बेल, इसके पत्ते वैसे ही मुरझा के मर जाते हैं, नीचे झड़ने से पहले ही मर चुके होते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर ही। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैनी टाइम्स आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है, व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स,
या व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स? एक्सक्रीटो, एक्सक्रीटरी, वेस्ट रखने वाला या वेस्ट रिमूव करने वाला। PHRE 4 रखने वाला, इसका मतलब बनता है उर्दू में फोर रखने वाला। एक्सक्रीटो, एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो लीव्स का काम क्या है? अंदर जो वेस्ट मुख्तलिफ सेल्स में बन रहे हैं उन वो लीफ के अंदर थोड़ा 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 करके आज कल परसों अगले रोज़ इस तरह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होते रहे और जब बहुत सारे अमाउंट में होगा तो पत्ते झड़ जाएंगे और उसको साथ ले जाएंगे। तो वाई आर दे कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स? बिकॉज दीज आर ऑटम लीव्स, खजां के पत्ते हैं जिन्होंने झड़ जाना है। दे आर येलो इन कलर, इनका कलर भी आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है कि येलोइंग आ जाती है उनमें, उनका रंग चेंज हो जाता है, और उस रंग चेंज होने की वजह भी आगे बताता हूँ मैं आपको। दीज लीव्स आर रिच इन वेस्ट, भरे हुए हैं। दे आर लोडेड विद वेस्ट, बेकार जो चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वो इनमें भरे पड़े हैं। एंड दियर, व्हाट इज़ दियर फेट, व्हाट इज़ दियर फ्यूचर? दे हैव टू फॉल ऑफ, इन्होंने झड़ जाना है, गिर जाना है आखिरकार। और जब गिरेंगे तो दे विल आल्सो रिमूव वेस्ट अलॉन्ग विद देम, और प्लांट बॉडी से वेस्ट को भी साथ ले जाएंगे। दैट इज़ वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। तो ये एक्सक्रीटोफोर्स की तीन चार लाइनें हमने लिखनी है यहाँ पे कि लीव्स को एक्सक्रीटोफोर क्यों कहते हैं। अब एक्सक्रीटोफोर से आगे, एक्सक्रीटोफोर्स आल्सो कंटेन सम मिनरल्स, कुछ नमकियात भी इस इन प्लांट्स के अंदर हैं और इन लीव्स के अंदर हैं। जब वो झड़ जाएंगे तो मिनरल्स उन लीव्स के अंदर ज़मीन पे चले गए। गार्डनर्स क्या करते हैं, जो ए बाग वगैरह की, गार्डन्स की रखवाली कर रहे होते हैं लोग, वो उनको साल के ख़ास तौर पे इस मौसम में पत्ते काफ़ी सारे झड़ के, सूख के गिरे पड़े होते हैं प्लांट्स के नीचे ज़मीन के ऊपर, और वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं। उनको इकट्ठा करके, उनको क्रश करके, उनको फिर मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर साल्ट्स होते हैं जो फर्टिलिटी को ज़्यादा करते हैं, नए पौधे उगने में हेल्प करते हैं वो साल्ट्स। तो एक्सक्रीटोफोर्स का एक बेनिफिट ये भी मिल गया कि ज़मीन की फर्टिलिटी को ज़्यादा करते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में अभी मैंने कहा था कि येलो इनकी क्या रीज़न है, येलो क्यों रहते हैं ये जो एक्सक्रीटोफोर्स हैं, जो ये लीव्स हैं। इनके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम करें, अगर माइक्रोस्कोप में इनको देखा जाए, तो हमारे जहन में शायद यही क्वेश्चन आता है कि ग्रीन कलर जो लीफ का था वो क्लोरोफिल की वजह से था, और अब क्लोरोफिल क्योंकि इनमें ख़त्म हो चुका है और इस वजह से उनका कलर येलो हो गया है, ग्रीन नहीं रहा। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ने शो किया है कि द चेंज इन कलर इज़ नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, क्लोरोफिल है, असल में लीफ के अंदर कुछ और पिगमेंटेड कंपाउंड्स, रंगदार केमिकल्स और हैवी मेटल्स वगैरह इकट्ठे हो गए हुए हैं, स्टोर हो गए हुए हैं जो वेस्ट के तौर पे हैं, और उनकी अबंडेंस की वजह से, उनकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से वो डोमिनेट कर गए हैं क्लोरोफिल के ऊपर, यानी क्लोरोफिल से इनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई हुई है, क्लोरोफिल का रंग छुप गया हुआ है और इनका रंग जो है वो ज़्यादा नुमाया हो गया हुआ है, लिहाजा हमें वो येलो सा कलर नज़र आता है उन लीव्स का, वो जो पतझड़ में गिरने वाले लीव्स हैं, एक्सक्रीटोफोर्स जो हैं। तो ये लीफ को हमने एक्सप्लेन कर दिया व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स एंड हाउ डू दे स्टोर द वेस्ट एंड हाउ डू दे एलिमिनेट द वेस्ट। अब हम आगे छोटी सी एक बात करते हैं। इन सम प्लांट्स देयर स्टॉक्स, उनकी जो डंडी होती है प्लांट्स की, बाज जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी सब्ज रंग की डंडियाँ सी होती हैं, वो स्टेम जो होता है, तो लाइक ब्लू बेल, ये ब्लू बेल फ्लावरिंग प्लांट है, इसके बेल शेप, बेल की तरह के फ्लावर्स होते हैं ब्लू कलर के, इसलिए इनको ब्लू बेल कहा गया है। दे स्टोर वेस्ट इन दियर स्टॉक्स, ये कुछ वेस्ट को अपने स्टॉक में भी, उस डंडी के अंदर भी स्टोर करते जाते हैं, एंड बल्ब के अंदर भी कुछ वेस्ट को स्टोर करते हैं। तो ये अपने लीव्स में भी स्टोर करता है, ये अपने स्टॉक में भी स्टोर करता है, अपने बल्ब में भी स्टोर करता है। व्हाट इज बल्ब? अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड बल्ब। ये स्टेम की एक टाइप है जो ज़मीन के नीचे होता है। तो ये लेटर ऑन स्टॉक्स एंड बल्ब्स, स्टॉक्स डाई एंड बल्ब्स रिमेन अंडरग्राउंड,
बाद में क्या होगा, स्टॉक के अंदर वेस्ट जमा करता गया, स्टॉक बाद में मुरझा गया, मर गया, तो वेस्ट भी साथ ही चले गए, और बल्ब जो है अकेला रह गया, पत्ते भी मर गए, वो स्टॉक भी मर गया, और ये अंडरग्राउंड रह गया, और बस उसी के अंदर ही रह गए वेस्ट, प्लांट में जो पहले स्टोर हुए थे उसकी स्टॉक में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख रहे हैं कि इसकी जो नंबर 4 पॉइंट है, ब्रांचेस ट्रंक्स में बास प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट को स्टोर करते हैं, वो देखते हैं वो कैसे अपने स्टेम के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। सम प्लांट्स डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स, वो स्पेशल किस्म के उनके वेस्ट हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आपको ऐसे मेन आइडिया दे दूं, ये जो प्लांट का स्टेम है, आपके घर के बाहर इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पे दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त का स्टेम कई सारे आप बच्चों में से कुछ बच्चों ने कटा हुआ स्टेम पड़ा होता है उसको भी, उस पर भी ध्यान दिया होगा, तो वो जो स्टेम का सेंटर वाली लकड़ी है वो जाइलम होती है, जो उसके इर्द गिर्द वाली लकड़ी होती है वो फ्लोएम होती है। तो सेंटर वाली लकड़ी और इर्द गिर्द वाली लकड़ी या बार्क वाला जो हिस्सा है वो उसका फ्लोएम है, तो वो जो सेंटर वाली लकड़ी है इट इज़ जाइलम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर जो है वो ओल्ड जाइलम है, इसके थोड़ा सा जो इर्द गिर्द है वो ज़रा रिलेटिवली न्यू जाइलम है। जाइलम का काम आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी और नमकियात को ट्रांसपोर्ट करता है ज़मीन से लेके वो टॉप तक, लीव्स तक पहुंचाता है, जाइलम का पाइप नुमा होते हैं इसके सेल्स। तो वो जाइलम जो सेल पुराने हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिनके अंदर वेस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, वो डेड हो गए हुए हैं, वो सेंटर वाली लकड़ी है, जबकि जो इर्द गिर्द वाली लकड़ी है वो ओल्ड जाइलम नहीं है, वो जाइलम ज़रा न्यूअर जाइलम है, और वो उसके अंदर वेस्ट नहीं है, लिविंग सेल्स हैं, और वो अपना पानी नमकियात को अभी तक भी पहुंचा रहे हैं। तो ओल्ड जाइलम में वेस्ट स्टोर हो गए, और वो वेस्ट कौन से हैं, ये दो तीन के हमने नाम लिख दिए हैं, ये रेजिन्स हैं, टैनिन्स हैं, ऑयल्स हैं, गम्स होते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स इसके अलावा भी इनमें होते हैं। तो ये सारे केमिकल्स इकट्ठे होते रहे और वो बिल्कुल उसके मन में, उसके सेंटर में, और फिर वो जो उसका प्लांट का मन है, सेंटर वाला ओल्ड जाइलम है, आखिरकार वो स्याह हो गया। तो जिसका मन ही स्याह हो जाए, हम कहते हैं वो वैसे ही मर गया हुआ है, मरा हुआ समझे उसको, जिसका मन ही स्याह हो जाए, तो ये डेड हो गए और वो स्याही की तरह का। तो आप ऐसे स्टेम को कटा हुआ देखेंगे तो सेंटर वाली लकड़ी ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आएगी आपको, जितनी ज़्यादा डार्क ब्लैकिश होगी उसे कहते हैं एबनी वुड। तो उसका लकड़ी का उस सेंटर वाले हिस्से का ब्लैक हो जाने को एबनी बोलते हैं, और ये भी आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के तौर पे, वेरी ब्लैक वुड एट द सेंटर ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एबनी। तो ये वो जो मन स्याह हो गया था वो एबनी है इसका। तो ये था, बास प्लांट्स अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, और आखिरी बात इसकी एक्सक्रीशन प्लांट्स की है, रूट्स कोनीफर्स जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये पहाड़ी इलाकों के पौधे हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते, बीज तो बनते हैं, इनके ओपन बीज नज़र आ रहे होते हैं। तो ये कोनीफर्स उन्हीं ग्रुप का एक प्लांट है, कोनीफर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे कीप ऑन एक्टिवली सेक्रेटिंग वेस्ट इनटू सॉइल। ये इनके अंदर जो वेस्ट हैं, इनके प्लांट ऑर्गन्स के ज़रिए से, रूट्स वगैरह के ज़रिए से, ये मट्टी के अंदर जाते रहते हैं वेस्ट इनकी बॉडी से निकल के, और वो वहाँ निकल के उसकी बॉडी में जो उसकी बॉडी से निकल के जब मिट्टी में जाएंगे तो वहाँ पे दे एक्ट एज केमिकल वेपन्स। ये केमिकल वेस्ट जो थे, प्लांट्स उनको वेपन्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी पहले और मिसाल दूँ, आप कहीं अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने खेतों में, या रास्ते में चलते हुए कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे प्लांट्स हैं इर्द गिर्द, वैसे ही बंदा उसकी ब्रांच को तोड़ता है, लीफ को तोड़ लेता है ऐसे बेख्याली में, तो कई सारे प्लांट्स में से उनका प्लांट का जूस बाहर आना शुरू होता है, वो कई प्लांट्स का जूस जो मिल्की सा होता है वो इनके केमिकल वेपन्स हैं, जो दरअसल यूँ इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई
एनिमल्स आके प्लांट को खाएं, आके खाना जाएं, वो खाएंगे तो इन केमिकल्स में जहर होते हैं, कड़वे होते हैं, एनिमल्स को खाना छोड़ देगा। तो ये इसका दिफाई हथियार है जो इसको बचा के रखता है, इसको तोड़ते नहीं है, खाते नहीं है ताकि उनको नुकसान पहुंचाए और इसकी बचत हो जाए। ऐसे ही वेस्ट को ज़मीन में डालते रहते हैं और जो उसी ज़मीन में कोई और प्लांट्स ग्रो करना चाह रहे हैं, ऐसे केमिकल्स इसने डाल दिए हैं कि न्यू ग्रोइंग प्लांट्स को, सीडलिंग्स को खास तौर पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये मार देंगे। वो जो केमिकल वेस्ट हैं वो जहरीले हों उनके लिए, स्पेशली जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स हैं। लिहाजा ये भी एक इनका मैकेनिज्म था वेस्ट को रिमूव करने का। तो इस तरह से हमने प्लांट्स वाला पूरा क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, इसको ठीक तरह से तैयार कर लीजिएगा। और एक छोटी से टॉपिक का हिस्सा रह गया है, वो अगला टॉपिक, वो इसको बस जस्ट रीड कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ कोई मैं केमिकल्स के नाम लिखे उनको याद कर लीजिएगा। और ये एज सच इसमें कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का नहीं है। हाँ, एमसीक्यू के तौर पे इसमें से कोई आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स की एक्सक्रीशन में जा रहे हैं और वहाँ पे एक तो पहले एमसीक्यू हल्का सा देख ले। वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब साल्टी। तो वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन साल्टी इन्वायरमेंट, यानी समुंदर वाले पानी में। एनिमल की बॉडी का पानी बाहर जाएगा, जिस तरफ साल्ट साल्ट ज़्यादा होंगे पानी उस तरफ जाएगा, तो एनिमल बॉडी से पानी उस तरफ जाता है। तो वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो वहाँ पे वो वाटर जो है, जो बॉडी से निकल के जा रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाएगा। और अब इसकी उलट बात करते हैं, अब हम आते हैं हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में, दरियाई पानी में। साल्ट्स रिमूव्ड बाई एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरमेंट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वहाँ पे साल्ट जाएंगे क्योंकि साल्ट एनिमल बॉडी में कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इर्द गिर्द वाले पानी में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ ये साल्ट जा रहे हैं। तो दे आर टर्म्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हियर इन हाइपरटोनिक एनवायरमेंट, जबकि इधर उलट है। अब हम मेजर जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं एनिमल्स में वो देखते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट उन्हें कहते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन होता है इसलिए दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन वेस्ट या नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, या मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले वेस्ट, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन होता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ अमानो एसिड्स, ये अमानो एसिड्स के ब्रेक डाउन पर भी छूटते हैं, और न्यूक्लियक एसिड के डीएनए आरएनए के ब्रेक डाउन पर भी ये बनते हैं, और अमानो एसिड के टूटने पर भी बनते हैं। अमानो एसिड को कैसे, बाई डीएमाइनेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप, आपको याद है हमने चैप्टर मैंने पढ़ा दिया हुआ है अमाइनो एसिड का फार्मूला, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है उसमें। तो अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, इसके जब अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है फालतू जो होते हैं तो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान, दिस इज कॉल्ड डीएमाइनेशन। अब बाकी को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, वो जो अमाइनो एसिड्स का बकिया हिस्सा होता है। अगर किसी शख्स में एलिवेटेड लेवल, हाई लेवल नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, व्हाट विल हैपन देन। ये तीन हमारी बुक में ये वर्ड लिख दिए हुए हैं, ताकि इसका मैंने कहा हल्का सा आइडिया दे दूँ आपको। कन्वल्शंस, कोमा और डेथ में अकर। तो इनके ज़्यादा हो, नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से ये मसल्स को झटके लगते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वल्शन, अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रेक्शंस। कंट्रोल में नहीं होते मसल्स अपनी मर्ज़ी में नहीं, बल्कि हमारी मर्ज़ी में नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, झटके लगते हैं और बंदा बेहोशी में चला जाता है, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो नेचुरल वेस्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए बॉडी में, इसीलिए अल्लाह ने हमें ये सिस्टम दिया हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो फालतू नेचुरल वेस्ट को साथ ही साथ रिमूव करता रहता है बॉडी से मुख्तलिफ जरियों से। अब हम देखते हैं वो जो लिस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। मोस्ट एक्सेस नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड एज एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो एक्सक्रीट होती है वो या एनिमल्स बॉडी में से, बाज एनिमल में एमोनिया, बाज में यूरिया, बाज में यूरिक एसिड, बाज में तीनों शक्लों में रिमूव होती है। लोअर क्वान्टिटीज ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सक्रीटेड एज क्रिएटिन, क्रिएटिन
ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, तो ये सारे नाइट्रोजन्स वेस्ट हैं। और वेरी स्मॉल, बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड एज अमाइनो एसिड्स, प्योरीन्स, पैरामिडीन्स, इस फॉर्म में बहुत थोड़ी सी अमाउंट में रिमूव होते हैं बॉडी से वेस्ट। और नाइट्रोजन वेस्ट, ये आखिरी बात करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन, ये एमसीक्यू भी आ चुका है, बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। तो प्योरीन और पैरामिडीन, हमने कहा था डीएनए आरएनए में ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो उनकी ब्रेकडाउन पे, उनके कैटाबॉलिज्म पे, उनके टूटने पे जो वेस्ट बनते हैं, दे आर यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलनटॉइन। तो इनमें से आपसे कह दें, एलनटॉइन इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन्स एंड पैरामिडीन्स, ये इसका आंसर आएगा। तो इस लिस्ट को बस तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो गया हुआ है। स्पेशली आपने तैयार कर लेने हैं प्लांट्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन को आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगल कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।